सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाइफा स्टडी पर। दोस्तों आज की वीडियो जो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि सेकंड सेमेस्टर आज आप सभी के लिए मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जितने भी इससे इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं, जितने भी इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, वो सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में आज कवर करने वाले साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले हम लोग आज क्या देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर साथी देख सकते हैं आप लोग कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आह्वानों, उत्तेजनाओं एवं प्रयत्नों से प्रेरित भारतीय राजनैतिक संगठनों द्वारा संचालित अहिंसावादी साम्यवादी आंदोलन था, जिनका एक समान उद्देश्य अंग्रेजी शासन को भारतीय उपमहाद्वीप से जड़ से उखाड़ फेंकना था। और इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1857 में, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी सिपाही विद्रोह को माना गया, 57 में हुए सिपाही विद्रोह को माना जाता है। और स्वतंत्रता के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के लाहौर अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिया का दिया गया है, ये इंडिया का आपका दिया गया है पूरा का पूरा मैप। ठीक है साथियों, पूरा का पूरा इंडिया का ये पूरा का पूरा मैप दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत की शाही सत्ताएं, ठीक है, औपनिवेशिक भारत जो था, यानी डच भारत, डच कब आए थे 1605 से लेकर के 1825, और डेनिश भारत आए थे कब आए थे 1620 से 1869, और फ्रांसीसी जो थे वो 1769 से लेकर के 1954 तक। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर पुर्तगाली भाई साहब, पुर्तगाली भाई साहब जो थे वो 1505 से लेकर के 1961 तक थे। और हिंदुस्तान घर जो था वो 1434 से 1833, और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो 1628 से 1633 तक आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि अनुक्रम, ठीक है, अनुक्रम क्या था, यानी मुख्य उपशीर्षक और भारत का बंटवारा, बंधन और मुक्ति, ठीक है, संदर्भ बाहरी कड़ियाँ, ये इनके अनुक्रम भी, मतलब इतने चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे साथ में। नेक्स्ट अब लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट दिया गया वो दिया गया भारतीय राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था वो 1885 से लेकर के 1905 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कि मुख्य लेख जो थे भारतीय राष्ट्रवाद था, और बंगाल का विभाजन कब हुआ था 1904 में हुआ था, मुख्य लेख क्या था, बंग भंग था। ठीक है, बंग भंग था। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, प्रथम विश्व युद्ध और युद्ध के राष्ट्रवादी अनुक्रिया, ब्रिटिश सुधार और गांधी जी का भारत में आगमन, असहयोग आंदोलन, प्रथम असहयोग आंदोलन, फिर पूर्ण स्वराज, फिर नमक मार्च और सविनय अवज्ञा, फिर चुनाव और लाहौर संकल्प, क्रांतिकारी आंदोलन और भारतीय स्वराज आंदोलन की अंतिम प्रक्रिया, भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिसमस द्वीप रादर और राजसी भारतीय नौसेना रादर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके ये बंगाल के विभाजन कब हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो कब जारी की गई थी, और प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद युद्ध की प्रति राष्ट्रवादी, फिर ब्रिटिश सुधार हुआ, फिर गांधी जी का भारत में आगमन हुआ, फिर असहयोग आंदोलन उसके बाद लागू हुआ, फिर ठीक है काफ़ी सारे यहाँ पर आपको तथ्य मिलते हैं दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो इनको आप लोग या तो शॉर्ट स्क्रीन करके नोट कर लीजिएगा, या फिर इसकी जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश भारत जो था वो 1612 से लेकर के 1947 के बीच आया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1612 से और 1757 में हुआ था। भारत में कंपनी शासन जो था वो 1757 से 1858 में हुआ था, इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन जरूर ले लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो यहां पर बात आती है, तो साथियों यहां पर अब नेक्स्ट हमारा बात आता है कि ब्रिटिश राज जो था वो 1858 से 1947 था, और बर्मा में ब्रिटिश शासन जो हुआ था वो 1824 से 1948 हुआ था। हालांकि मेरे को कंफर्म होगा कि ये आप लोग के दिमाग में बैठ नहीं रहा होगा, लेकिन भाई साहब इसको समझना है, ठीक है, इसको समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको समझना है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो ब्रिटिश भारत में रियासतें थी वो 1721-1949 था, भारत का बंटवारा हुआ था, कब हुआ था 1947 में, भारत का जब आज़ाद हुआ था तभी बंटवारा हो गया था, और भारत का जो भारत का बंटवारा हुआ था वो कब किसमें हुआ था, वो पाकिस्तान और किसमें हुआ था, वो था पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हुआ था इसका बंटवारा। ठीक है, अब यहाँ पर पद्धतियाँ आ जाती हैं, जो पद्धतियाँ यहाँ पर आती थी, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रांति हुई थी, यानी यह विनम्र श्रृंखला का एक हिस्सा भी है, तो यहाँ पर ये पद्धतियाँ, कारण और इतिहास, जो कि यहाँ पर शो नहीं हो रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको शो करवाया, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर शो करवाया है। तो यहाँ पर अहिंसा क्रांतिकारी, अहिंसक प्रतिरोध, कर प्रतिरोध, बहिष्कार और गुरिल्ला युद्ध और
तख्ता पलट और गृह युद्ध, नागरिक अवज्ञा, ये सब यहाँ पर दिया गया, कारण इसके दिए गए हैं। और उसके बाद जो इसका इतिहास दिया गया, क्रांतिकारी लहर, औद्योगिक क्रांति, वाणिज्य क्रांति और अंग्रेजी क्रांति, भारतीय क्रांति, अमेरिकी क्रांति, टेनिस क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ये सब यहाँ पर काफ़ी सारी क्रांतियाँ दी गई, रंग क्रांति, अरब क्रांति, स्पेन क्रांति, क्यूबियाई क्रांति, ठीक है, 1989 की क्रांतियाँ, तो यहाँ पर काफ़ी सारी क्रांतियाँ दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है। तो यहाँ पर सबसे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि संप्रभुता और भारत का बंटवारा, संप्रभुता और भारत का बंटवारा, यानी मुख्य लेख यहाँ पर क्या था कि भारत गणतंत्र का इतिहास, भारत का विभाजन और पाकिस्तान, भारत का विभाजन और पाकिस्तान आंदोलन, ठीक है, भारत का विभाजन और पाकिस्तान का आंदोलन था। उसके बाद यहाँ पर साथियों बात आती है यहाँ पर कि जो 3 जून को हुआ था, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को वाइस काउंट लुइस माउंटबेटन, जो आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और इन्होंने ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान विभाजन घोषित किया था, ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, इतने को के त्वरित पारित होने के साथ 14 अगस्त 1947 को इतने बजे यानी कि 11:57 पाकिस्तान एक भिन्न राष्ट्र घोषित हुआ, और मध्य रात के तुरंत बाद 15 अगस्त 1947 को 12:02 भारत भी एक संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। भारत पर ब्रिटिश शासन के अंत के कारण अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उस 15 अगस्त को दोनों पाकिस्तान और भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहने या उससे निकलने का अधिकार था। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि 1949 में भारत ने कॉमनवेल्थ में रहने का निर्णय लिया था, और आज़ादी के बाद हिंदुओं, सिखों, मुसलमानों के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई, और प्रधानमंत्री नेहरू और उप मुख्यमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने माउंटबेटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कायम रहने का न्योता दिया, और जून 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, 1948 में क्या हुआ था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने उन्हें प्रतिस्थापित किया था। अब यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, कुटीर और घेराबंदी के पश्चात जीवित बचे भारतीय सेना के एक सैनिक की क्रिस अवस्था को दर्शाता फोटो, ठीक है, यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर भारतीय सेना के एक सैनिक, भारतीय सेना का जो एक सैनिक क्रिस अवस्था में, ठीक है साथियों, किस अवस्था में, क्रिस अवस्था को दर्शाता एक फोटो यहाँ पर दिखाया भी गया है, ठीक है। और इसकी आपको पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ प्रोवाइड हो जाएगी, जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी, सभी साथी टेलीग्राम पे डाउनलोड करके और नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर अपने पास रख सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्ट स्क्रीन लेके आप कहीं पर भी इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो साथियों आप बेसिकली लिख सकते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो सारे के सारे आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर साथियों बताया गया है, यहाँ पर भी बताया गया कि पटेल ने, उसके बाद क्या हुआ था कि पटेल ने दस्ताने में लोह मुट्ठी की अपनी नीतियों से 565 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने का उत्तरदायित्व लिया। वहाँ उन नीतियों के अनुकरणीय प्रयोग, जूनागढ़ और हैदराबाद राज्य को भारत में एकीकृत करने के लिए सैन्य बल का उपयोग यानी ऑपरेशन पोलो में देखने को मिला। दूसरी ओर पंडित नेहरू जी ने कश्मीर का मुद्दा अपने हाथों में रखा। और उसके बाद बात आती है यहाँ पर कि संविधान सभा संविधान के प्रारूपीकरण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा किया, और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य या फिर गणतंत्र आधिकारिक रूप से उद्घोषित हुआ। और बात आती है यहाँ पर साथियों की जो संविधान था, ठीक है, संविधान सभा के गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी कार्यभार लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। तत्पश्चात फ्रांस ने 1951 में चंदन नगर और 1954 में पांडचेरी तथा अपने बाकी भारतीय उपनिवेश सुपुर्द कर दिए। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि भारत ने 1961 में गोवा और पुर्तगाल के इधर भारतीय एनक्लेवों पर जनता के द्वारा आंदोलन करने के बाद गोवा पर अधिकार कर लिया, और 1975 में सिक्किम ने भारत संघ में सम्मिलित होने का निर्वाचन किया साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हमारा आता है कि 1947 में क्या हुआ था, 1947 में स्वराज्य का अनुकरण करके भारत कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में बना रहा, और यहाँ पर भारत संयुक्त राज्यशाही संबंध मैत्रीपूर्ण रहे, और पारस्परिक लाभ हेतु दोनों देश कई क्षेत्रों में मजबूत संबंधों को तलाशते रहे, और दोनों राष्ट्रों के बीच शक्तिशाली सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध भी हैं। यूके में 16 लाख के अधिक सजातीय भारतीय लोगों की जनसंख्या है। 2010 में
जनसंख्या है। और 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भारत ब्रिटिश संबंधों को एक नया खास रिश्ता बताया। ठीक है साथियों, एक उन्होंने खास रिश्ता बताया। अब यहाँ पर चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको तो पता ही है ये पिक किसकी है, ये पिक है कुट घेराबंदी के पश्चात जीवित रह गए भारतीय सेना एक सैनिक क्रस अवस्था को दर्शाता हुआ एक फोटो यहाँ पर दिया गया है। देन अब यहाँ पर साथियों हमारी बात आती है, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो आता साथियों कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि वास्को डिगामा जो था वो भारत कब आया था, वो आया था 1498 ईस्वी में। भारत वास्को डिगामा जो था वो भारत आया था। और 600 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1748 में क्या होता है, भारत में अलगा फ्रांसीसी युद्ध हुआ था। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1769 में चुआड़ विद्रोह हुआ था। और 1799 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। 1775 में अलगा मराठ युद्ध हुआ था, जो कि 1775 से लेकर 1819 तक चला था। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि 1846 में अलगा सिख युद्ध यानी सिखों की पराजय हुई थी। और 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ था। 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1905 में हुआ था अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1915 में हुआ था एनी बेसेंट ने होम रूल कांग्रेस की स्थापना की थी। साथियों इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इसको अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगी भी तो ये चीज़ें, इनका जो सन होता है वो काफ़ी जगह पर जो होता है वो गलत रहता है। ठीक है, काफ़ी जगह पर इनका हमने सन देखा जो कि बहुत ज़्यादा गलत रहता, तो लेकिन यहाँ पर जो आपके सन दिए गए हैं बहुत ही हेल्पफुल सन है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो हो सकती है, पीडीएफ भी हेल्पफुल हो सकती है। और ये सन आपके हैं एकदम करेक्ट सन दिए गए हैं, ये एकदम सही। बाकी आपको जैसे कि मान लीजिए वास्को डी गामा भारत का बाद 1998 जगह कहीं कहीं 1997 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको गलत नहीं मिलेगा। जितने भी आपके सन दिए गए सारे के सारे एकदम करेक्ट है, तो इसको शॉर्ट स्क्रीन लेके आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था, यानी खिलाफत आंदोलन जिसे नाम दिया गया था, खिलाफत आंदोलन 1919 में। बात आती है यहाँ पर कि 1921 में महात्मा गांधी द्वारा सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, गांधी जी के अवज्ञा आंदोलन वापस लिया था इसी में 1922 में ही। 1928 में साइमन आयोग का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए थे। 1930 में गांधी जी के दांडी यात्रा हुई थी, नमक सत्याग्रह आंदोलन गेल मेज सम्मेलन भी हुआ था इसी में। और उसके बाद यहाँ पर 1931 में हुआ था क्या, द्वितीय गेल मेज सम्मेलन, जो कि गांधी इरविन समझौता जिसे नाम दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1946 में नौसेना विद्रोह मुंबई में हुआ था। और 1947 में भारत का विभाजन, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था और आधी रात को अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी। और उसके बाद बात आती है यहाँ पर कि 1961 में गोवा पुर्तगाल से मुक्त हो गया था। साथियों कब हुआ था, 1961 में हुआ था, गोवा पुर्तगाल से मुक्त हो गया था। क्लियर हो गया ना इतना आपका, तो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब यहाँ पर बात आती है यानी दोस्तों यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता का क्रांतिकारी आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का जो क्रांतिकारी आंदोलन था, क्रांतिकारी आंदोलन, तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं कि 1847 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता आज़ाद हिंद फौज और स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम, उत्तराखंड के शहीदों की सूची। ठीक है, तो ये थे आप सभी के साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये आज के जो आपका टॉपिक था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर आप जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर, ठीक है, जितने भी आपकी ये वाले क्वेश्चन दिए गए पूरे पूरे कि आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, पूरे पूरे याद कर लीजिएगा और शॉर्ट स्क्रीन लेके आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है साथियों, पीडीएफ आपको कहाँ प्रोवाइड हो जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। साथ में इस कहानी में जितने भी आपको इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं वो सभी आप लोग नोट कर सकते हैं। यानी 16 लाख से अधिक सजातीय भारतीयों को जनसंख्या, यानी उसके बाद जो 1947 में स्वराज का अनुकरण करके, उसके बाद यहाँ पर जितने भी आपके दिए गए हैं, जितने भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितने भी 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र आधिकारिक रूप से उद्घोषित किया गया, तो जितने भी ये डेटे हैं, ये डेटे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये डेटे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कई कई डेटे बहुत ज़्यादा गलत मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ढूंढ ढूंढ के जितने भी डेटे सही थे वही मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर जो लुईस माउंटबेटन यानी वाइस काउंट, यहाँ पर 3 जून 1947 को, ये जितने भी आपके सन दिए गए हैं इसमें भी काफ़ी सारे सन दिए गए हैं, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर तो सनों की भरमार ही लगी हुई है,
यानी भारतीय राष्ट्रवाद का उदय 1885-1905, ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ पर भी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दिएगा, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है साथियों। तो सभी साथी इसको नोट डाउन कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।